मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ का टॉपिक, लाभ हानि एवं बट्टा पे, यानी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो इसका जो फर्स्ट क्लास था उसमें मैंने आपको बताया था फंडामेंटल और इसका बेसिक कि किस तरह से आप कॉस्ट प्राइस को समझेंगे, किस तरह से आप लागत मूल्य को समझेंगे, किस तरह से आप विक्रय मूल्य को समझेंगे, अंकित मूल्य क्या होता है, इनका आपस में संबंध कैसा होता है। तो बेसिक जानकारी और फंडामेंटल हमने आपको बताया था। आज का ये सेकेंड क्लास है आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आपसे बात करूंगा जिसके तीन फॉर्मेट पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर अच्छी हमारी तैयारी हो तो इसे मैं देख करके तुरंत टिक कर सकता हूं, ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है और ना ही कोई ट्रिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे पूछा जाता है, इस पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। आप पहले देखें कि क्या लिखा हुआ है, कम तौलता है और लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन तीन तरह से आपके पेपर में आता है, चौथा आज तक किसी एग्जामिनर ने नहीं पूछा है। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन क्या हैं, पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, अगले दो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होते हैं और जैसे बच्चे सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में आपको बताता हूँ जिससे ईजी वे में आप आंसर कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दुकानदार 10%, 15%, 20% कम तौलता है और प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। या एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम तौलता है और क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। दूसरा क्वेश्चन होता है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम तौलता है और क्रय मूल्य से 10% या 20% या 50% अधिक मूल्य पर बेचता है, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। और तीसरा सवाल ये होता है कि एक दुकानदार 10%, 20% कम तौलता है और क्रय मूल्य से 10%, 5% कम मूल्य पर बेचता है। तो यहाँ पे तो एक चीज़ क्लियर है, आप देख लीजिए तीन पॉइंट लिखे हुए हैं। ये जो कम तौलता है, तो कम तौलने का मतलब ही सीधा सा है लाभ कमाना। कम तौलने का मतलब है लाभ कमाना। क्यों, कोई घटतौली करने का उद्देश्य क्या है? घटतौली करने का सिर्फ एक उद्देश्य है, प्रॉफिट कमाना। अच्छा, तो इन तीनों का मतलब क्या है, लाभ कमाना। अब अगर हम क्रय मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं तो यहाँ का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी क्रय मूल्य पर अगर किसी वस्तु को आप बेचते हैं तो नो प्रॉफिट और नो लॉस। अगर यहाँ से हमें बराबर बराबर मिल जाता है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना है, तो इन दोनों को जब ओवरऑल मिला देंगे तो फाइनली तो आपको लाभ ही होने वाला है ना। यहाँ से कुछ लाभ हो जाता है, यहाँ से न लाभ होता है न हानि होती है, तो दोनों को मिला करके आपको लाभ ही होगा। इसका उद्देश्य है लाभ कमाना और इसका उद्देश्य भी लाभ कमाना है, क्योंकि क्रय मूल्य से अधिक पर बेचने का मतलब है आपको लाभ उठाना। क्रय मूल्य से अधिक पर बेचने का मतलब लाभ उठाना है, तो इसका उद्देश्य भी लाभ उठाना और इसका उद्देश्य भी लाभ उठाना, तो दोनों मिलकर के आप बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक तरफ कम तौल रहे हैं, दूसरी तरफ क्रय से ज़्यादा पे बेच रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से ही लाभ हो रहा है। तीसरा पॉइंट, कम तौल रहे हैं निश्चित रूप से लाभ कमा रहे हैं, लेकिन क्रय से कम पर बेच रहे हैं, यहाँ तो हानि हो जाएगी। और पता लगा कि हानि का रेशियो कम है, कम तौलने का यानी लाभ कमाने का रेशियो ज़्यादा है, तो आपको लाभ भी हो सकता है। और पता लगा कि यहाँ से हम बिल्कुल कम तौल रहे हैं और यहाँ से क्रय ज़्यादा कम कर दे रहे हैं, तो हानि भी हो सकती है। यानी इसका जो परिणाम होगा वो कुछ भी हो सकता है, लाभ हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो तीन तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इन तीनों प्रश्नों का आंसर आप विद इन टाइम और बहुत ही अच्छे से बड़े मज़े में दे सकते हैं। ना तो आपको ट्रेडिशनल मेथड लागू करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ट्रिक्स। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही इत्मीनान से बताऊंगा। पहले आप ध्यान से मेरा एक कंसेप्ट देख लीजिएगा और कंसेप्ट मैं आपके सामने अभी तुरंत बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इन तीनों पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट आप देखिए, सपोज करिए कि 1 kg चाय है, 1 kg चाय है 1 किलोग्राम और इसकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है, CP क्रय मूल्य इसका 100 रुपये है। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में आपके सामने लिख रहे हैं। सपोज कर लीजिए 1000 ग्राम चाय है, राइट, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है
और वो 100 रुपये कॉस्ट है उसकी शिपिंग। तो ये भी एग्जैक्टली वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपके सामने लिखा हुआ है कि 1000 ग्राम चाय आपकी 100 रुपये की है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है तथा क्रय मूल्य पर बेचता है, राइट, बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, राइट। ये सिंपल सा आपके सामने क्वेश्चन आ गया। एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम तौलता है और क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। कभी कभी से क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है और क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो ये पहला और सबसे ईजी क्वेश्चन है, इसी फार्मेट में सेट करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 1000 ग्राम चाय 100 रुपये की है। ऐसा मैंने इमेजिन कर लिया, फॉर्मेट बना लिया है कि 1000 ग्राम 100 रुपये की है बस। अब कोई भी सामान होगा हमारा इसी रेट से आ सकता है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मैं यहां पे आपसे लिख करके दिखा रहा हूं। 800 ग्राम 100 रुपये की है क्योंकि वो 1 केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 800 ग्राम तोलता है और बताता है कि साहब ये 1 केजी है, तो 800 ग्राम चाय हमारी 100 रुपये की हो गई। अब हमारे पास बचा कितना, चूँकि 1 केजी वास्तव में है और 800 ग्राम को हम 1 केजी दिखा रहे हैं, तो हमारे पास 200 ग्राम चाय बच गई। 200 ग्राम जब चाय बच गई तो ये इसका चौथाई भाग है, तो हमें चौथाई पैसा भी मिलेगा, यानी 100 रुपये का चौथाई पैसा क्या होगा, 25 रुपये होगा। और हमारी टोटल 1000 ग्राम चाय बिक गई और 100 रुपये की जगह हमें क्या मिल गया, 125 रुपये। तो कितना लाभ यहाँ से हो जाएगा, 25% का लाभ होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि वास्तविक जो हमारा वजन है वो 1000 ग्राम है और उसकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है। तो हम 800 ग्राम को छदम बाट का प्रयोग करते हैं, मॉक बाट का प्रयोग करते हैं, 800 ग्राम को ही 1 केजी बताते हैं। तो 800 ग्राम अगर हम कॉस्ट पे बेचेंगे तो 100 रुपये का बेचेंगे और रिमेंस हमारे पास 200 ग्राम और बचा है, तो इसे 25 रुपये का बेच देंगे। इस तरह से बिका क्या जो था हमारे पास और पैसा हमें क्या मिला, 125, वास्तव में हमने 100 लगाया था। तो यहाँ पे कितना लाभ आपको हुआ, 25%। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा लेकिन फिर वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम में। एक दुकानदार 20% कम तौलता है, क्यों कम तौलता है, क्योंकि लाभ कमाना चाहता है, और क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, फिर लाभ कमाना चाहता है, मीन्स दोनों तरफ से लाभ हो रहा है। अब वो मेरा 1000 और 100 का जो बैलेंस है उसको आप मेंटेन रखिएगा। 20% कम तौलता है तो 1000 की जगह पे वो क्या तौलेगा, 800 ग्राम, जाहिर सी बात है। अगर 1000 ग्राम हमारा टोटल है तो 20% कम तौलने का मतलब 80% तौल रहा है, यानी 800 ग्राम तौल रहा है। तो ये 800 ग्राम तौल रहा है और क्रय से 20% अधिक पर बेच रहा है। क्रय हमने 100 मान रखा था, जो बैलेंसिंग पॉइंट हमारा था 1000 और 100, तो अभी 20% कम तौलेगा तो 800 ग्राम तौलेगा और क्रय से 20% अधिक पर बेचेगा तो 120 रुपये का बेचेगा, यानी कि 800 ग्राम उसने 120 रुपये का बेच दिया। अब मेरे पास बचा क्या, 200 ग्राम, जाहिर सी बात है 200 ग्राम बच गया जो इसका 1/4 है, तो 1/4 पैसा भी आपको मिलेगा इसका। 1/4 इसका कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। तो आपका बिक क्या गया, जो आपके पास था, यानी टोटल 1000 ग्राम आपके पास था। तो चाहे ये परसेंटेज में हो या ग्राम में, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, 1000 ग्राम आपका बिक गया है और कितने का, 150 का। तो 1000 ग्राम 100 रुपये का था और 1000 ग्राम 150 का बिक रहा है, यानी आपको लाभ कितना हो रहा है, 50% का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं।
यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 120 ग्राम के स्थान पे 96 ग्राम तौलता है, यानी 96 ग्राम, और क्रय मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो उसे वास्तव में 120 ग्राम तौलना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 96 ग्राम तौल रहा है। तो 96 ग्राम वो दे कितने का रहा है? 108 का, 8% अधिक पर। सीधा आप ये लिखिए कि तौलना इतना चाहिए, बट वो तौल 96 ग्राम रहा है और क्रय से ज़्यादा पे बेच रहा है। बाकी उसके पास कितना बचता है? 120 से 96 निकाल दीजिए, कितना बच जाएगा? 24 ग्राम। तो 24 चौको 96 होता है, उसका चौथाई क्या हो जाएगा? 27। आप इधर जोड़ लीजिए, इधर इधर कितना हो गया? 120 ग्राम। 120 ग्राम का मतलब टोटल 1000 जो आपका था वही बिक गया, और पैसा आपको क्या मिल गया? 135 रुपये। अब 100 रुपये की जगह 135 रुपये मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है? आप 35% लाभ कमा रहे हैं। तो इस तरह से बड़ी इजी वे में आप आंसर कर सकते हैं। 120 ग्राम के स्थान पे 96 ग्राम तोला, तो 96 ग्राम 108 का दे रहा है। क्यों 108 का दे रहा है? क्योंकि क्रय से वो ज़्यादा पे बेच रहा है 8%। तो 96 ग्राम 108 का दे रहा है, तो बाकी बचा 24 ग्राम जो इसका चौथाई है, तो 27 रुपये और आपको मिल जाएंगे। टोटल सामान बिकता है 135 का, जबकि टोटल सामान 100 रुपये का होता है। इस तरह से 35% प्रॉफिट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और ये बड़ा ही अच्छा सा तीसरे टाइप का सवाल है। एक दुकानदार वास्तविक वजन से 25% कम तौलता है, यहाँ से क्या होगा? उसे लाभ होगा। जाहिर सी बात है, घटतौली करने का मतलब लाभ कमाना हुआ। तो एक दुकानदार 25% कम तौलता है, लेकिन वह क्रय मूल्य से 13% कम मूल्य पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? यहाँ कुछ भी हो सकता है, लाभ और हानि दोनों हो सकता है। तो अपना वो 1000 और 100 को बैलेंस रखिएगा, वो परसेंटेज में बराबर चलेगा और ग्राम में भी बराबर चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 25% कम तौलता है, इसका मतलब कि वो 75% तौलता है। तो 75% का मतलब 750 ग्राम हो गया आपका 1000 का। 100 रुपये कॉस्ट आपने बैलेंस की थी, यहाँ पे 13% कम पे बेचता है, तो 100 रुपये की जगह क्या हो जाएगा? 87 रुपये हो जाएगा, 87 रुपये। इसका मतलब है कि 750 ग्राम हमने 87 रुपये का बेच दिया। मिला लीजिए, 25% कम तौलता है, तो 1000 में 25% कम तौलेगा तो कितना तौलेगा? 75%। 75% का मतलब 750 ग्राम, और 13% कम पे बेचेंगे तो 100 में 13% कम होगा तो 87 हो जाएगा। अब आपका वास्तव में तो वजन 1000 है, तो क्या करेंगे आप? 250 ग्राम आपके पास और बच गया, तो 250 ग्राम इसका कितना है? 1/3 है, तीसरा भाग है। 750 का 250 तीसरा भाग है, तो पैसा भी तो तीसरा भाग आपको मिलेगा। 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27। आप जोड़ दीजिए, 1000 ग्राम आपका सामान हो गया, और पैसा आपका हो गया 9 × 7 = 16 हो गया, और ये आपका 11 हो गया, 116। तो इसका मतलब क्या हुआ? 16% का आपको लाभ हुआ। तो इस तरह से आप देखिए कितने इजी वे में, ना कोई यहाँ पे फार्मूला लगाना है, ना कोई ट्रिक पढ़ने हैं, और ना ट्रेडिशनल मेथड से समीकरण बनाना है आपको। 750 ग्राम 87 रुपये का, क्यों? 25% कम तौला, 13% कम पे बेचा, बाकी क्या बचा? 250 ग्राम बचा था, क्योंकि मानक हमारा 1000 ग्राम था, और मानक पैसा क्या था? 100 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार 16 ग्राम के स्थान पे 14 ग्राम तौलता है, वास्तव में उसे 16 ग्राम तौलना चाहिए, लेकिन वो घटतौली कर रहा है, 14 ग्राम तौल रहा है, और क्रय मूल्य से 6.25% कम मूल्य पर बेच रहा है। तो यहाँ से तो सर्टेन उसे लाभ होगा, घटतौली करने का मतलब ही है लाभ कमाना, लेकिन क्रय से कम बेचने का मतलब उसे हानि हो जाती है। तो कम तौलना और कम पर बेचना, इसका मिला जुला असर क्या रहेगा? उसे व्यवसाय में लाभ होगा या उसे हानि हो जाएगी? तो ये चीज़ आपको देखनी है। 14 ग्राम वो तौल रहा है, और क्रय से 6.25 कम पे बेच रहा है, तो 100 से 6.25 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 93.75। यानी 14 ग्राम के लिए जो उसे पैसा मिल रहा है, वो 93.75 रुपये मिल रहा है। अब बाकी क्या सामान बचा? तौलना उसे 16 ग्राम चाहिए था, 14 ग्राम उसने 93.75 रुपये का दे दिया। अब आपके पास 2 ग्राम सामान और बच गया, और 2 ग्राम इसका कितना हिस्सा है? 2 × 7 = 14, 7वां हिस्सा है, तो पैसा भी तो 7वां हिस्सा मिलेगा। 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 1 = 7 हो गया, इधर 2 × 7 = 21 हो गया, फिर 2 बच जाएगा, और यहाँ पे
सात इक्कम सात हो गया, दो बच गया, सात्रिक इक्कीस हो गया, दो बच गया, फिर सात्रिक इक्कीस हो जाएगा और छः सात नवाई तिरसठ है। आप इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, सामान क्या हो गया 16 ग्राम। 16 ग्राम का मतलब क्या, 100% यानी 1000 ग्राम। और आपका पैसा कितना हो गया, 9 5 14 के 4 हो गया, 7 3 10 1 11 के 1 और ये 3 3 6 1 7 और ये 10 107 यानी 7.14 या 7 सही 1/7% का उसे लाभ हो जाएगा। ये पेपर का आया हुआ सवाल है, आपके ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। तो 7 सही 1/7% का लाभ होगा या 7.14% का लाभ होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। आपके सामने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं और मैंने आपको बताया था सिर्फ 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और तभी आप वहाँ पे विद इन टाइम कर पाएंगे। यहाँ भले सीखने में आपको ज़्यादा समय लगेगा लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है और हट करके है। वहाँ 10 सेकेंड में आप आंसर टिक कर सकते हो और ना ही कोई ट्रिक याद रखने की ज़रूरत है, ना ही कोई फार्मूला। आप देखिए, पहला सवाल है 20% कम तौलता है, क्रय पर बेचता है, तो अपना वो 1000 और 100 बैलेंस है। 20% कम तौलता है मतलब क्या है, 800 ग्राम तौलता है और क्रय पर बेचता है। क्रय का मतलब क्या है, अपना 100 मान रखा है मैंने शुरू में ही माइंड मेकअप कर लिया है कि साहब 1000 और 100 को बैलेंस कर लीजिए, 1000 क्वांटिटी हो गई और 100 हमारी कॉस्ट हो गई। तो 20% कम तौलने का मतलब 800 ग्राम हो गया 1000 की जगह और क्रय पर बेचने का मतलब 100 रुपये में। तो अभी तो मेरे पास सामान 200 ग्राम बचा हुआ है, तो 200 ग्राम हम सामान कितने का बेचेंगे, जब 800 ग्राम 100 रुपये का दे रहे हैं तो इसका चौथाई भाग है, तो 25 रुपये का इसे दे देंगे। तो सामान तो हमारा वही 1000 हुआ एडिटिव जो हमने मान रखा है, लेकिन पैसा तो 100 मान रखा था ना। अब पैसा कैसे 125 हो गया, क्यों, क्योंकि 25% हमने लाभ कमा लिया। तो ये तो हमारा पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप पे आ जाइए, 20% कम तौलता है, हम तो वही लिखेंगे 800 ग्राम राइट, लेकिन क्रय से 10% ज़्यादा पे तो क्या लिखेंगे, 110 अब लिखेंगे, क्योंकि वो क्रय पे नहीं बेच रहा है, क्रय से 10% ज़्यादा पे बेच रहा है। अभी हमारे पास सामान कितना बचा हुआ है, 200 ग्राम बचा हुआ है और जाहिर सी बात है हम 200 ग्राम इसका चौथाई है, तो चौथाई पैसा यहाँ से ले लेंगे, ये 27 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। अब सामान तो हमारा पूरा 1000 ग्राम बिक गया लेकिन पैसे क्या मिल गए, 137.5 यानी 37.5% का लाभ हो गया राइट। अब आप तीसरे टाइप पे आ जाइए, 20% कम तौलता है, क्रय से 12% कम पे बेच रहा है। तो 20% कम तौलने का मतलब क्या हुआ, 800 ग्राम तौल रहा है, वही सवाल है बिल्कुल सेम यहाँ से। 12% कम का मतलब 100 से 12% कम करोगे 88 रुपये हो जाएगा। अब आपका 800 ग्राम 88 रुपये का है तो रिमेंस जो सामान आपका बचा वो कितना हो गया, 200 ग्राम चौथाई है, तो इसका चौथाई पैसा यानी 22 रुपये हो जाएगा। सामान आपका वही 1000 ग्राम बिक गया और पैसे 110 रुपये मिल गए, यहाँ पे 10% लाभ हो गया। तो इस तरह से ये तीनों टाइप आप मेंटेन रखिए। मैंने इस एक वीडियो लेक्चर में सिर्फ एक तरीका बताया, इस पे आप कमांड करिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब नया टाइप अगले वीडियो में मेंशन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।